सो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइट आईएएस। स्वागत है आपका नाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, और स्वागत है आपका इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर नंबर 2 में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट लेक्चर में जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ सीटाडेल, ये आपको बता दिया था, और आज मैं इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सोशल डिफरेंसेस, क्या क्या सामाजिक, क्या क्या भेद थे आपस में, क्या क्या मतलब फैक्ट्स हमें मिले हैं फ्रॉम द हिस्ट्री। तो बुरियल्स स्टडिंग, हम बेसिकली जो मिली हैं, कब्र मिली हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, जो भी फॉसिल्स मिले हैं, उनसे हम पहचानेंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आखिर वो बेसिकली करते क्या थे, जो लोग मर जाते थे उनके साथ क्या करते थे। तो डेड्स वर जनरली लेड इन पिट्स, और बेसिकली जो मर जाते थे लोग, वो ताबूत में रखे जाते थे। सम ग्रेव्स कंटेन्स पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, कुछ कब्रों में तो प्याले और जो है बर्तन भी मिले हैं, और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, जेवरात भी मिले हैं। ज्वेलरी हैज़ बिन फाउंड बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब महिलाओं और औरतों दोनों के साथ ज्वेलरी मिली है, तो दोनों लोग ही पहनते थे, दोनों लोगों को ही, मतलब आदमियों को और महिलाओं को भी जो है जेवरात पहनने का शौक़ था। सो फ्रेंड्स, और 1980s में जो है थ्री शेल रिंग्स मिली हैं, और जैस्पर भी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोन है, बहुत प्रीशियस स्टोन है, पत्थर है, एक कीमती पत्थर जो जिसका नाम है जैस्पर। सो फ्रेंड्स, जैस्पर ऐसे वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में बिल्कुल दिखाई देते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये था या नहीं था, बेसिकली ये कहाँ का था, ये इन्फॉर्मेशन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है बीड्स ऑफ 100 ऑफ माइक्रो बीड्स आर प्रेजेंट देयर। तो सो फ्रेंड्स, यानी कि बीड्स बहुत छोटी छोटी गोटियाँ जो हैं वो पाई गई हैं, और बहुत छोटी भी पाई गई हैं, माइक्रो बीड्स भी मिली हैं। और जो बेसिकली जो लोग दफना दिए जाते थे, उनके फॉसिल्स में, उनके साथ उनकी कब्र में जो है तांबे के शीशा, तांबे का एक शीशा भी मिला है एविडेंस के रूप में। बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हरप्पन्स डिडंट बिलीव दैट बोरिंग प्रीशियस थिंग्स, मतलब ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा मिले हैं, तो यानी कि बेसिकली हम यह समझ सकते हैं कि जो हरप्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशंस में जितने भी लोग रहते थे, वो सबके साथ ऐसा नहीं होता था कि उनके साथ उनकी इम्पॉर्टेंट और कीमती और लविंग जो चीज़ें होती थी, लविंग थिंग्स जो होती थी, वो उनके साथ जो है कब्र में दफना देते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देखा गया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो कीमती चीज़ों को उसके साथ दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। तो इट शोज़ दैट हरप्पन्स न्यू व्हाट इज़ लाइफ, वो जानते थे कि क्या ज़िंदगी का क्या मायने हैं बेसिकली। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लग्जरीज़ में। लग्जरीज़ में वो कैसे कैसे रहते थे, क्या मतलब रिहायशी अंदाज था उनका, तो उसको देखते हैं। वाइल स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स यूटिलिटेरियन, और दो टाइप के हैं लग्जरीज़। हम आर्टिफैक्ट्स को अगर देखते हैं तो यूटिलिटेरियन मतलब देखे गए हैं, जो कि डेली यूज़ और डेली नीड्स पर ज़िंदा रहते थे, और कुछ लग्जरीज़ वाले आइटम भी कुछ लोगों के साथ मिले हैं। तो यानी कि वहाँ पर देखिए डिवीज़न तो था ही, क्योंकि वहाँ पर सिटाडेल था और जो है लोअर टाउन था, तो डिवीज़न तो था ही। तो रेयर, तो लग्जरीज़ जो हैं वो कुछ कॉस्टली हैं, कुछ कॉस्टली और रेयर एलिमेंट्स भी पाए गए हैं, नॉन लोकल मटेरियल्स भी मिले हैं, यानी कि कुछ लोगों ने इंपोर्ट करके या ट्रेड के द्वारा परचेज़ करके उन्हें अपने साथ लविंग थिंग्स बना लिया, और उसके फिर डेड मतलब जो है कि उनकी कब्र में दफना दिया गया साथ में। तो मेड बाय कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ से बनाए गए। फयांस एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है फयांस। ये मिनिएचर पॉट्स ऑफ फयांस, मतलब ये बेसिकली सुराही टाइप का बर्तन होता है, और ये मिट्टी को पकाकर बनाया जाता है। तो ये फयांस पाए गए हैं, और कालीबंगा में पाए गए हैं। कालीबंगा में जो है फयांस जो हैं वो परफ्यूम बॉटल्स के लिए भी यूज़ होते थे। कालीबंगा राजस्थान की एक साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और अंडर लग्जरीज गोल्ड वॉज टू रेयर, गोल्ड बहुत ही कम जगह पाया गया है। प्रॉबेबली इंटरनेशनल इन्वेजन ऑन इंडिया मेड वेदल वेल्थलेस एंड गोल्ड वर एग्जीक्यूटेड अर्लियर एज सच। इट मीन्स ये है कि जो इंटरनेशनल इन्वेजन हुआ है उसके द्वारा ही भारत में उस टाइम पे, मतलब सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस टाइम पे जो है गोल्ड आया है।
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे करते हैं? चुनादरो। चुनादरो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस थी। तो एक छोटा सा जैसे जस्ट लाइक मोदी नगर और यू कैन से बहुत ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टाइप का जो सिटी होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, उस टाइप की एक साइट थी ये। और मोहनजोदड़ो के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा जो है कि ये टाइनी सेटलमेंट था, बहुत नैरो बिल्डिंग था, नैरो था सॉरी। और इसके बाद चुनादरो ऑलमोस्ट डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन में ये ज़्यादा काम करते थे यहाँ के लोग जो है, मतलब श्रमिक लोग ज़्यादा होते थे। तो कौन कौन सी जो है प्रोसेस होते थे यहाँ पे, शेल कटिंग हो जाती थी, शेल कटिंग करते थे, मेटल वर्किंग धातु का काम किया जाता था यहाँ पर, मोहरें भी यहाँ पर बनाई जाती थी। और यहाँ पर मेज़र करने के लिए, मतलब मापने के लिए जो है यहाँ पर बाट भी बनाए जाते थे। सो फ्रेंड्स और कौन कौन से स्टोन्स, मेटल्स कौन से यूज़ करते थे? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड शेल। कॉपर बोन्स ब्रोंज गोल्ड एंड शेल एंड सिल्वर। और स्टोन्स कौन कौन से यूज हुए हैं यहाँ पर? कार्नेलियन, ये रेड टाइप का होता है, रेड होता है कार्नेलियन, लाल कलर का बड़ा कीमती पत्थर होता है। सेटाइट, जैस्पर, क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टल्स भी पाए जाते थे ये। सो फ्रेंड्स ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट पाए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ मिट्टी को पकाकर जो बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। फ्यांस है उसमें एक, और टेराकोटा, जो टेराकोटा प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है मिट्टी को पकाकर बनाए गए हैं। बीड्स वर मेड ऑफ टू और टू मोर स्टोन्स, यानी कि जो गोटियाँ पाई गई हैं वो एक स्टोन से भी मिलकर बनी है, और मतलब एक ओरिजिनल एक स्टोन की है और दो तीन स्टोन से मिलकर भी बनी है, तो ये स्टेटमेंट आ सकता है। और कुछ ऐसी बीड्स भी मिली हैं जिनके ऊपर गोल्ड कैप्स भी मिली हैं, और सिलेंड्रिकल शेप की हैं, कुछ स्फेरिकल गोल आकार ही हैं, कुछ बैरल शेप्ड है। तो कार्नेलियन वॉज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल, पीले कलर का कुछ मटेरियल होता है उसे अगर हम आग में पकाएं तो उससे कार्नेलियन रेड कलर का पत्थर सा बन जाता है। नोड्यूल्स पाए गए हैं यहाँ पर जो कि रफ शेप में चिप्ड किए जाते थे। सिलेंड्रिकल, पॉलिशिंग और फिनिशिंग, ये तीनों प्रोसेस होते थे यहाँ पे चुनादरों में। और स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी पाई गई हैं, चुनादरों में भी पाई गई हैं स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, यानी कि खोदने के लिए जो पिट्स वगैरह ब्लेड्स वगैरह यूज़ करते हैं वो चुनादरों में पाया गया है। और लोथल और धौलावीरा, लोथल और धौलावीरा दोनों गुजरात में। तो और इसके बाद कुछ कोस्टल सेंटर्स भी रहे हैं, तटीय कौन से सेंटर थे? नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग और फाइंड आउट द कोस्टल सिटीज़ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईच वॉज फेमस फॉर मेकिंग शेल टाइप ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस था लेडलेस, और इनले बनाने के लिए ये फेमस था नागेश्वर एंड बालाकोट। तो आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं? तो स्टोन पत्थर के लिए, लकड़ी के लिए, टिम्बर मेटल्स के लिए, धातुओं के लिए, ये एलुवियल प्लेन्स के आसपास का जो एरिया रहा है, जो भी दोमट जलोढ़ मिट्टी के आसपास का जो भी एरिया रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इंडस वैली में, यानी कि नदी के आसपास का। तो एलुवियल प्लेन्स, दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम शेल स्मॉल सेंटर्स फॉर प्रोडक्शन, लार्ज अर्बन सेंटर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे शहर ही थे, बड़े बड़े शहर भी ट्रेड और कॉमर्स में मतलब इन्वॉल्व थे, और जैसे कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। अच्छा ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि मटेरियल्स कहाँ कहाँ से पाए गए हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट से शेल मेकिंग ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, यानी गोलाकार खोखले, और शॉर्टुगाई अफगानिस्तान से लापिस लूजली मिला है, ये ब्लू स्टोन है, और कार्नेलियन रेड स्टोन है, और लापिस लूजली ब्लू स्टोन है, और कार्नेलियन लोथल से मिला है, भरूच से मिला है, गुजरात में मिला है, और साउथ राजस्थान में स्टेटाइट मिला है, खेतरी राजस्थान से कॉपर मिला है, साउथ इंडिया से गोल्ड मिला है, नॉर्थ गुजरात से सीटाइट भी मिला है, वहाँ से भी मिला है, गुजरात में मिला है, नॉर्थ गुजरात यानी राजस्थान का पार्ट, ये देखिए ना साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ राजस्थान सीटाइट मिला है दोनों, एंड देन राजस्थान मेटल्स मिला है, यहाँ से मेटल्स भी मिले हैं, राजस्थान के खेतरी माइन से कॉपर मिला ही है। एंड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के? तो ओमान से बहुत अच्छा रिलेशन था, ओमान का एविडेंस भी मिला है। कॉपर वॉज ऑल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम सिमिलर हड़प्पन जार, जस्ट लाइक एक हड़प्पा का जार मिला है उसमें ओमान की साइट में मिला है, यानी कि ओमान जो है
और इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ स्क्रिप्ट मिली हैं, उसके अंदर ऐसा लगता है कि ओमान जो है वो बेसिकली उसका जो पुराना नाम था वो था मगन, मगन जो है परहैप्स ओमान का ये एक नाम था। यहाँ पे 3rd millennium BCE जो है कॉपर जो है वहाँ से आता था भारत में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है मेंशन करते हैं, और उसमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से उनका ट्रेड एंड कॉमर्स था। तो दिलमुन जो है, दिलमुन का नाम, दिलमुन जो नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट में मिला है वो बहराइन का नाम है बेसिकली। मगन ओमान को कहते थे, और मेलुआ, मेलुआ भी हरप्पा को कहते थे, हरप्पा रीजन को मेलुआ कहा जाता था, हरप्पन रीजन पॉसिबली। तो कॉल्ड एज हजाबड, हजाबड कहा जाता था इसे, कॉल्ड एज रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस भी कहा जाता था। सम सजेस्ट पीकॉक, कुछ लोग कहते कि मोर है, मतलब मेलुआ मतलब मोर। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर्स टू मेलुआ एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट बताता है कि मेलुआ मतलब लैंड ऑफ सी फेयरर्स, और कुछ लोग कहते हैं कि ये हरप्पा का ही नाम था मेलुआ, तो ये कन्फर्मेशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।